आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई और गिरती अर्थव्यवस्था के विरोध में शुक्रवार को कांग्रेस का एक दिवसीय जनवेदना धरना नवादा के समाहरणालय के समक्ष रैन बसेरा परिसर में दिया गया। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व नवादा जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आभा देवी कर रही थी। जिला कांग्रेस कार्यालय से पैदल मार्च करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बाजार भ्रमण करते हुए समाहरणालय समक्ष पहुंचे। इस दरमियान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा की सरकार को कोसते हुए पीएम मोदी के खिलाफ नारे लगाए। कार्यकर्ताओं ने देश के पीएम हाय हाय, बढ़ती महंगाई को रोको, बेरोजगारों को रोजगार दो, पीएम मोदी देश की जनता को ठगना बंद करे आदि नारे लगाए। धरना कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष आभा देवी ने कहा, देश में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, महंगाई बढ़ती जा रही है, फैक्ट्रियां बेची जा रही हैं, अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, किसान आत्महत्या पर मजबूर हो रहे हैं। भाजपा अब सिर्फ कांग्रेस के समय के कार्यों को फीता काटकर उद्घाटन करने में मस्त है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का एजेंडा मंदिर और पाकिस्तान तक सीमित है, लेकिन भाजपा और प्रदेश में जेडीयू की डबल इंजन की सरकार है लेकिन प्रदेश में भाजपा और जेडीयू की डबल इंजन की सरकार है जो देश में विकास के दावे कर रहे हैं। इनकी झूठी बातों को अब जनता समझ चुकी है। यह धरना कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में दिया जा रहा है। देश में डिग्रीधारियों की कमी नहीं है, बावजूद देश के युवा बेरोजगार हैं। ये काम की तलाश में दूसरे राज्यों में मजदूरी करने जा रहे हैं। देश में महंगाई चरम छूते जा रही है। यह भाजपा की सरकार में आम जनता का ख्याल रखा नहीं जा रहा। उन्होंने कहा कि देश के पीएम मोदी पूंजीपतियों की सरकार है, जिसे आप लोगों से मतलब नहीं है, ये सिर्फ कॉरपोरेट घराने का पीएम है। अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, महंगाई चरम पर है, युवा वर्ग बेरोजगार है और देश में विकास का ढिंढोरा पीटा जा रहा है। नवादा से अमृत बाबू की रिपोर्ट। यदि देश की अर्थव्यवस्था का स्थिति यही रहा, रोजगार, किसान और सुरक्षा तमाम जो गंभीर मुद्दे हैं उनकी स्थिति यही रही, महंगाई चरम सीमा पे है, तो कांग्रेस पार्टी संसद से लेकर सड़क तक किसानों के लिए, नौजवानों के लिए और तमाम इन गंभीर मुद्दों के लिए संघर्ष जारी रखेगी। कांग्रेस पार्टी मांग करती है बेरोजगारों को नौकरी हो, देश का विकास समुचित हो, यही हमारी मांग है।